हेलो गाइस, आरपीपी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एआई से रिलेटेड है। तो जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम लगता है यूट्यूब की वीडियो को बनाते हुए। तो आज हम एक ऐसा काम करने लगे हैं जिससे आप यूट्यूब के शॉर्ट्स बेहद आसानी से और चंद सेकेंड के अंदर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 500, 1000 या इससे भी ज़्यादा शॉर्ट्स यूट्यूब के चंद सेकंड में बना सकें तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। उससे पहले आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पे आना है और इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट क्या होगा कि आपने इसको ये बताना है कि मुझे फैक्ट से रिलेटेड जो है ना वो कोई से भी 50 या 100 फैक्ट्स दे दो जिसमें पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर वो डिवाइडेड हो। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें प्रॉम्प्ट दिया था और इसमें इसको ठीक करने के बाद, काफ़ी चेंजेस करने के बाद मुझे फाइनली ये रिज़ल्ट मिला। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को, यानी कि ये जो हमारा रिज़ल्ट आया, इसको यूज़ करते हुए 20 से 25 शॉर्ट्स जो कि यूट्यूब की होंगी वो चंद ही सेकेंड्स के अंदर हम जो है ना वो बनाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है और ये सेटिंग्स आपने फॉर एवर के लिए सेव करके रखनी है क्योंकि यही सेटिंग बार बार यूज़ होंगी। तो सेटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली कैनवा पे आना है। और कैनवा प्रो अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपको मैं वो लिंक प्रोवाइड करूंगा जिससे आप फॉर एवर जो है ना वो कैनवा को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा कैनवा ओपन हो चुका है और हम मेन मेन्यू की तरफ जा रहे हैं। और मेन मेन्यू में जाकर हम सबसे पहले यूट्यूब के शॉर्ट्स को ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मेन मेन्यू आ चुका है कैनवा का और यहाँ पर हम यूट्यूब शॉर्ट्स को सर्च करेंगे और यूट्यूब शॉर्ट को सर्च करने के बाद हम उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स हम लिखेंगे तो हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट को जो है ना वो सिलेक्ट कर लें, सिंपल सा कोई भी टेम्पलेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस टेम्पलेट को रख लेता हूँ और यहाँ हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करते हैं। तो इसकी थोड़ी कस्टमाइजेशन करते हैं, सेटिंग करते हैं और फिर हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेम्पलेट है वो ओपन हो चुका है। हम इसको जो इसके नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहे हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको अभी सिंपल रखेंगे। यहाँ पर सिंपली आपने छोटा सा एक काम करना है, यहाँ से कोई सा भी टेक्स्ट उठाएँ और यहाँ पर आकर आप यहाँ पर उसका अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इसको वाइट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही टाइटल जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था। यानी कि इससे इसमें अगर हम चैट जीपीटी में ऊपर जाएं तो हमारा यहाँ लिखा था फैक्ट टाइप, इसको हम कॉपी करेंगे। आप ये सिंपली प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी को तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे फैक्ट टाइप। उसके बाद हमारे पास आता है क्या चीज़ आती है, हमारे पास पार्ट वन आता है। तो हम इस पार्ट वन को कॉपी कर लेंगे। पार्ट वन को कॉपी हमने किया, इसी को हम कंट्रोल सी वी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। फिर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं एक और ये हमारे पास पार्ट वन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमने कॉपी किया पार्ट वन को, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने पार्ट वन कर दिया और यहाँ पे हमने पार्ट टू कर दिया। अब ये थोड़ी सी सेटिंग है जो आपने करनी है अपने कैनवा के टेम्पलेट के अंदर शॉर्ट्स को क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपली आपने क्या करना है कि आपने जो आपका यहाँ पे फैक्ट ये आपने लिए थे इनको यहाँ से कॉपी कर लेना है एज इट इज़। तो आपने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा हाइड टाइमिंग और शो टाइमिंग, इसको आपने एडजस्ट थोड़ा सा करना है। ये आपका फुल पे आएगा और अगर हम पार्ट वन को करें तो यहाँ पर हमने पार्ट वन की हमें टाइमिंग नज़र आ रही है। अब हमने इस जो नीचे वाला हमारा है उसको इतने साइज़ में डिवाइड कर लेना है कि हमारा जो टाइम है वो इक्वली डिवाइड हो। जैसे ये 5 सेकेंड है तो 2.5 सेकेंड हम पार्ट वन को देंगे और 2.5 सेकेंड ही हम पार्ट टू को देंगे। और वो कैसे देंगे, सिंपली आपने इसको 2.5 के ऊपर जाके ये देखें, हमने यहाँ पे पार्ट वन को 2.5 दे दिए और इसी तरह हमने पार्ट टू को, जो हमारा पार्ट टू है टेक्स का, उसको एडजस्ट कर लिया 2.5 के बाद। तो ये हमारा जो है ना एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम हमारा रह गया है,
90% हम काम कर चुके हैं। ऐप्स में आएंगे, यहाँ पे आके अगर आप देखें तो आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे बल्क क्रिएट लिखा हुआ है, तो बल्क क्रिएट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मैन्युअली डाटा इंसर्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही ऑप्शन अवेलेबल होता है आपने एंटर डाटा मैन्युअली करना है और यहाँ पे आके थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेनी है, यहाँ पे एक टेक्स्ट और डालना है और यहाँ पे आपने वही हेडिंग्स देनी है जो कि यहाँ पे हमारे पास पहले मौजूद थी। ये काम आपको सिर्फ एक दफ़ा करना पड़ेगा और फिर आप जितनी मर्जी चाहें यहाँ पर इनको जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पार्ट वन कर देंगे, ओके। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए, यहाँ पे हमने फैक्ट टाइप कर देना था, यहाँ पे हम फैक्ट टाइप कर दे देंगे, या हमने कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी किया, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, पार्ट वन यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया और इसको पकड़ कर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह पार्ट टू को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पार्ट टू। ठीक हो गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस टेक्स्ट को रेज करना है यहाँ से, ये वाला जो टेक्स्ट है आपका यहाँ जो भी लिखा होगा वो आपने ख़त्म कर देना है। ठीक हो गया। और ये हमने ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखें, इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से और यहाँ पे आके आपने कंट्रोल वी कर देना है, यानी पेस्ट कर देना। तो ये देखिए आपका यहाँ पे तमाम जो है 25 मोटिवेशनल फैक्ट जो है वो पेस्ट हो चुके हैं। आप किसी और चीज़ से रिलेटेड जो ना यहाँ पे ये कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं फैक्ट हों और फैक्ट से रिलेटेड ही आप शॉर्ट्स यूट्यूब के बनाएं, आप कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम डन करेंगे, डन करने के बाद अगर आपका ये यहाँ पे शो होना शुरू हो गया तो उसका मतलब आपने करेक्टली तमाम स्टेप्स को फॉलो किया है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आए ऊपर तो हमारा जो फैक्ट टाइप है यहाँ पे आके हम कनेक्ट डेटा करेंगे और यहाँ पे फैक्ट टाइप को कनेक्ट कर देंगे, पार्ट वन में आके कनेक्ट डेटा करेंगे और पार्ट वन को कनेक्ट कर देंगे, और सिमिलरली कनेक्ट में आके पार्ट टू को कनेक्ट करेंगे और ये हमारा सारा कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आके हम सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जनरेट 25 डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट 25 डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आपके 25 डिज़ाइन ऑन अ सिंगल क्लिक जनरेट हो जाएंगे, और इसी तरह आप जो है ना YouTube के 25 शॉर्ट्स विद इन अ सेकेंड क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम इनकी वर्किंग को देखें तो ये देखें किस तरह शो हो रहे हैं, इनकी अगर आप एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। पहला पार्ट शो हो रहा है, फिर दूसरा तो 2.5 सेकेंड के बाद शो हो रहा है पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट। तो इसी तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने YouTube शॉर्ट्स के अंदर और बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं YouTube से। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव AI वीडियो लेकर फिर हाजिर आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।